वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू वियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम बात करेंगे सेक्शन 132 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर सेक्शन अंडर प्रोसीडिंग सेक्शंस। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि जो पूर्ववर्ती धाराएं हैं, जो कि धाराएं हैं सेक्शन 129, 130, 131, 131, तो इस सेक्शंस के अंदर जो कार्रवाई की जा रही है, सशस्त्र बलों का यूज किया जा रहा है, आर्म फोर्स यानी कि बल का पूर्वक फोर्स का यूज करके क्या है जमाव को तितर बितर किया जा रहा है, तो उस केस में अगर किसी के अंगेस्ट क्या है कोई केस क्रिमिनल केस जो है लगता है तो वो कैसे लगेगा, तो उसमें क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो इसके बारे में ये सेक्शन बात करता है कि किसी कार्य के लिए जो धारा 129, 129, 130, 131 के अधीन किया गया तात्पर्य है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में, जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसने कि आर्म फोर्स का यूज किया है, वहां केंद्रीय सरकार की मंजूरी की विधा संसिद्ध नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर जो कोर्ट केस किया जाएगा वह केंद्र सरकार की मंजूरी लेने के बाद उसके खिलाफ क्या है कोई कोर्ट केस होगा। सेकंड कहता है कि किसी अन्य मामले में किसी राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संसिद्ध नहीं किया जाएगा, कोई अदर केस है तो उस केस में क्या है स्टेट गवर्नमेंट की क्या है मंजूरी लेनी होगी, तो ही वह कोर्ट केस उस व्यक्ति पर या अधिकारी पर चल सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है कि उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावना पूर्वक कार्य करने के लिए वाले मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के बारे में धारा 129 और 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में या सेक्शन 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में, कोई ऑफिसर के बारे में, या सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिसे आदेश का पालन करने के लिए आवृद्ध हो उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में यह ना समझा जाएगा कि उसने उसके द्वारा कोई अपराध किया है, कि किसी ऑफिसर के द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहा गया है उसके द्वारा जो इस सेक्शन के अंदर कार्य किया जा रहा है तो उसमें उसे एक क्राइम नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, ये समझाया गया है। सबसेक्शन 3 कहता है कि इस धारा में और इस अध्याय के पूर्ववर्ती धाराओं में सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना और वायुसेना विपरीत है। जो सशस्त्र बल है उसमें जो फोर्स यूज की जा रही है वह सेना, नौसेना और वायुसेना विपरीत है, और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सदस्य बल भी है और जो अदर फोर्स है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी से सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रिक या वेतन भोगी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, अग्र युक्त ऑफिसर और राजपत्रिक ऑफिसर भी है। जो अधिकारी कौन कौन से इंक्लूड है वो बताया गया है। सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न कोई अन्य सदस्य अभिप्रेत है। जो सदस्य है वह कोई अधिकारी नहीं है, कोई नॉर्मल पर्सन है या उसको कोड जो है फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस ऑर्डर को, तो वह व्यक्ति अभिप्रेत है। तो इसमें बताया गया है कि अभियोजन या किसी तरह का कोई केस अगर कोर्ट केस क्रिमिनल केस अगर चलाना है तो उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर इस सेक्शन के अंदर किसी अधिकारी के द्वारा कार्य किया गया है, किसी ऑफिसर के द्वारा कार्य किया गया है या किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सदस्य के द्वारा जिसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, तो उस पर इतनी जल्दी क्या है कोई केस नहीं दाखिल किया जा सकता है उसके अंगेंस्ट। तो उसे इंग्लिश में समझते हैं, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी
एक्ट प्रपोर्टिंग टू बी डन अंडर सेक्शन 129, सेक्शन 130 और सेक्शन 131 शैल बी इंस्ट्रक्टेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट्स एस्पेक्ट्स जो है विद द सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच सच पर्सन इन ए ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स विद द सेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केस यानी परमिशन लेनी होगी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की तो केस किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सब सेक्शन 2 कहता है नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द सेट सेक्शन इन गुड फेथ नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ ऑफ कंप्लायंस विद द रिक्वेशन अंडर सेक्शन 129 और सेक्शन 130। नेक्स्ट की नो ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स एक्टिंग अंडर सेक्शन 131 इन गुड फेथ। नेक्स्ट की नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स डूइंग एनी एक्ट इन ऑब्वियंस ऑफ एनी ऑर्डर विच ही वाज बॉर्न टू ओवे आज्ञा का पालन करने के लिए क्या है उस व्यक्ति को कहा गया है शैल बी डीम्ड टू हैव देयर बाय कमिटेड एन ऑफेंस उसे ये नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है। इन द सेक्शन एंड इन द प्रोसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर द एक्सप्रेशन आर्म फोर्स मीनिंग द मिलिट्री नेवी एंड एयर फोर्स ऑपरेटिंग एंड लैंड फोर्स एंड इंक्लूडिंग एनी अदर फोर्स आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन सो ऑपरेटिंग यानी इसके अंदर क्या है सेना नौसेना वायुसेना सब इंक्लूड है और अन्य जो सेनाएं हैं वो भी इंक्लूड हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि ऑफिसर इन रिलेशन टू द आर्म फोर्स मीनिंग अ पर्सन कमीशन गजेटेड और इन पे एज द ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स एंड इंक्लूडिंग ए जूनियर कमिश्नर ऑफिसर एंड ए वारंट ऑफिसर ए पीटी ऑफिसर ए नॉन कमीशन ऑफिसर एंड ए नॉन गजेट ऑफिसर तो ऑफिसर में क्या क्या इंक्लूड है ये बताया गया है। मेंबर मेंबर इन रिलेशन ऑफ द आर्म फोर्स मीन ए पर्सन इन द आर्म फोर्स अदर देन एन ऑफिसर जो वह अधिकारी नहीं है उसको सदस्य कहा गया है जिसने कि उस ऑर्डर को फॉलो किया है तो ये सेक्शन में 132 में जो है मेंशन किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर प्रोसीडिंग सेक्शन इन जो धाराओं के अंदर कोई कार्य कर रहा है तो उसमें उसका बचाव कैसे किया जा सकता है उसको अपराध नहीं माना जाएगा जो वह एक्ट कर रहा है तो ये सारा मेंशन किया हुआ है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की परमिशन चाहिए अगर आपने किसी के खिलाफ केस करना है तो प्रोटेक्ट किया गया है ऑफिसर्स को कार्यपालक मजिस्ट्रेट को और किसी जो सदस्य ने जिसने हेल्प की है उसको। तो फ्रेंड ऐसी वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।